किसानों का 25वां दिन हो गया है आंदोलन का, जो कि लगातार जारी है। और किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा हम वापस नहीं जाएंगे। किसान का साफ तौर पर कहना है कि हम दिल्ली में ही हल चलाएंगे और हल से ही हल निकलेगा। यूपी गेट पर किसान आंदोलन जारी। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान आया सामने, दिल्ली में चलाएंगे हल और हल से ही निकलेगा हल। गाजियाबाद से बड़ी खबर, यूपी गेट पर किसान आंदोलन जारी। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान, दिल्ली में चलाएंगे हल और हल से ही निकलेगा हल। गाजियाबाद से बड़ी खबर, यूपी गेट पर किसान आंदोलन जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयवीर मावी हमसे जुड़े हुए हैं। जयवीर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दिया है कि दिल्ली में चलाएंगे हल और हल से ही निकलेगा हल। जिस तरीके से लगातार किसानों का 25वें दिन भी आंदोलन जारी है, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। जी देखिए, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है और किसानों की जो समस्याएं उनको नहीं सुन रही है, आज किसान 24 दिन से हो चुके हैं और आज 25वां दिन है, यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सर्दी में डटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह सरकार नहीं सुन रही है, अब वो किसान दिल्ली में हल चलाएंगे और हल से ही समस्या का हल निकल पाएगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से जो किसान है उनकी बातों पर विचार नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह जो सरकार है वो अपने नुमाइंदों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजकर किसानों से वार्ता कर रही है, जब किसान सड़कों पर हैं तो बात सड़क पर जो किसान है उनसे होनी चाहिए। सरकार फर्जी किसानों से बात कर रही है और इस तरह कोई हल नहीं निकलने वाला है। अब हल चलाकर ही दिल्ली में जो किसान है उनकी समस्याओं का हल निकलेगा, क्योंकि हल चलाने से ही फसल होती है और हल चलाने से ही अन्न उगता है। तो अब जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो दिल्ली में हल चलाकर ही हल होंगी। जी जयवीर, जिस तरीके से लगातार किसान 25वें दिन भी अपने आंदोलन को लेकर डटे हुए हैं, सरकार बातचीत का रास्ता निकाल रही है, लगातार वो बातचीत करने के लिए किसानों से कह रही है, क्या समस्या, आखिर क्यों किसान बातचीत के रास्ते को नहीं अपनाना चाहते? देखिए, इस मामले को लेकर जब हमारी बात राकेश टिकैत से हुई तो उन्होंने कहा था कि किसानों से मुलाकात की जो बात है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं आई है, ना ही कोई निवेदन आया है कि जो किसानों से को बुलाया जाए। जब सरकार किसानों को बुलाएगी तब किसान सरकार के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। किसानों ने कहा है कि वो अपनी जो मांग है उनको लेकर डटे हुए हैं और किसान इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जब बुलाएगी तो वो जाएंगे। वहीं किसानों ने कहा था, नरेश टिकैत का बयान भी आया था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, कि किसान अपनी मांगों को लेकर दो कदम पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को भी अपनी हठधर्मिता छोड़नी होगी, सरकार को भी कुछ कदम पीछे हटाने होंगे। अब देखना होगा कि जो सरकार है कब तक किसानों को बातचीत के लिए बुलाती है। जब तक किसानों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाएगा तो किसान नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर सरकार बुलाएगी तो किसान जाने के लिए भी तैयार है। अब देखना होगा कि जिस तरह लगातार आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार बैकफुट पर आने को नजर नहीं आ रही है, सरकार की तरफ से अपने तमाम जो विचार जो कहा जा सकता है सभाएं की जा रही है, किसानों को समझाया जा रहा है कि जो किसान बिल है वो किसानों के हित में है, किसानों के नुकसान में नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक किसानों को मना पाएगी और किसान कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे, क्योंकि किसानों ने अपने इरादे साफ कर दिए कि 26 जनवरी को दिल्ली जाएंगे और जो ट्रैक्टर होंगे उन पर वो तिरंगा झंडा लगाकर जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा था कि जो तिरंगा लगाकर वो दिल्ली जाएंगे और देखना है कि सरकार कब वाटर कैनन चलाएगी और तिरंगों को अगर नुकसान होता है तो उसके खिलाफ सरकार के जो अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा तिरंगे का अपमान करने का। तो अब कहा जा सकता है कि जो किसानों की अगली रणनीति उसके अनुसार अगर हम समझें तो 26 जनवरी को किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी बना रहा है, रणनीति बना रहा है। अब उस 26 जनवरी तक अगर कोई हल नहीं निकलता है तो किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं 26 जनवरी के दिन। जी बिल्कुल जयवीर, जिस तरीके से बात अगर हम सरकार की करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों को समझा चुके हैं, 3 बार उन्होंने संबोधित किया है और लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि हम किसानों से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इसका हल कहीं निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये देखने वाली बात होगी कि क्या बातचीत सरकार और किसान के बीच में एक बार फिर होगी और क्या हल निकलेगा।
और अब